और चलिए अब बात करते हैं आजमगढ़ जिले की, जहां आन बान और शान की लड़ाई है। यहां की राजनीति बाकी जगहों से अलग है, यहां की जनता का अंदाज अलग है। सपा के गढ़ में शुमार आजमगढ़ जिले में किन सीटों पर टाइट फाइट है, कहां आमने सामने है रसूखदार चेहरे। देखिए आजमगढ़ की लड़ाई में कहां किसके बीच है कांटे का मुकाबला। गाजीपुर और मऊ से सटे इस जिले में सियासत का अलग ही अंदाज रहा है। ये आजमगढ़ है जहां कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। सातवें चरण में जिन 9 जिलों में वोटिंग होने जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा 10 सीटों वाला जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ की 2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, आजमगढ़ सदर और फूलपुर पवई। फूलपुर पवई सीट पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत यादव है, तो वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम सूरत राजभर। फूलपुर पवई सीट पर रमाकांत यादव के आने से मुकाबला खड़ा हो गया, क्योंकि 2017 में रमाकांत यादव के बेटे अरुण कुमार यादव भाजपा की टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन इस बार रमाकांत यादव सपा की टिकट पर मैदान में। सियासी रण के आखिरी चरण में अब 7 मार्च को 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि पिछली बार 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 10 की 10 सीटें आजमगढ़ में जीतेंगे। तो बीजेपी के अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही कि इस बार आजमगढ़ में परिवर्तन होगा, कम से कम 3 सीटें बीजेपी जीतेगी। अब अगर हम बात करें सीटों की, तो फूलपुर पवई जहां पर रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी में थे, सांसद बने, फिर टिकट नहीं मिला, नाराज हुए और फिर अगर हम कहें तो समाजवादी पार्टी में चले गए, जहां से आए थे समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और उन्हें टक्कर दे रहे हैं राम सूरत राजभर। आजमगढ़ में सदर सीट पर जबरदस्त लड़ाई है, क्योंकि सपा के मौजूदा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव एक बार फिर से मैदान में, तो वही भाजपा ने अखिलेश मिश्रा को प्रत्याशी बनाया। अगर हम आजमगढ़ सदर की बात कर लें, दुर्गा यादव 8 बार से विधायक चुने गए हैं, फिर दावा कर रहे हैं कि 9वीं बार भी चुने जाएंगे, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस सीट पर उनके जो उम्मीदवार हैं अरविंद मिश्रा गुड्डू, वो चुनाव जीतेंगे। अब सबके अपने दावे हैं, सबके अगर हम कहें तो अपने अपने वादे हैं, और जनता, आजमगढ़ की जनता ये जो है इसको तय करना है कि वो 7 मार्च को जब वोट देने जाएगी तो ईवीएम में कौन सा बटन दबाएगी, और 10 मार्च को जब परिणाम सामने आएंगे तब दावे और हकीकत क्या है सबको पता चलेगा। दुर्गा प्रसाद यादव 1996 से लगातार सदर सीट से जीतते आ रहे हैं, तो वही पिछली बार अखिलेश मिश्रा को दुर्गा प्रसाद यादव ने हराया था। फिलहाल आजमगढ़ में सियासी रण सजा हुआ है, जहां 7 मार्च को वोटिंग होगी और 10 मार्च को पता चलेगा कि आजमगढ़ की जनता ने किसके माथे पर किया विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।